तो हेलो गाइस, आई एम पाई बैक। तो आज हम बात करें डेविल्स पार्ट टाइमर के सीजन 2 के एपिसोड 3 के बारे में, थोड़ा स्पेगियन। तो लास्ट एपिसोड में जो एमिलिया और माओ थे वो ले आते एलिस रैमस को एम्यूजमेंट पार्क में, और जो आशा चीहे और सुजुकी थे वो उनको फॉलो कर रहे थे, तो वहाँ पे अपना एंजॉय कर रहे थे। तभी पूछते एमिलिया माओ से कि कब तक वो एलिस रैमस को अपने पास रखेगा, तो उसे बताता है जब उसके पेरेंट्स वापस नहीं आ जाते या फिर वो बड़ी नहीं हो जाती हैं। तो फिर से पूछती हैं क्या अपने रियल वर्ल्ड एंटी ऐसा नहीं जाना चाहता, एज उसकी आर्मी थी अभी भी वहीं पे थी। तो उसे बताता है कि उसने वहाँ जाने से अपना छोड़ दिया है, क्योंकि मोस्ट प्रॉबली जो उसकी आर्मी थी वो अब तक पूरी वाइप आउट हो चुकी होगी, और अगर वापस जाता भी है और जितनी उसकी पावर थी उसे वापस मिल जाती है, फिर भी कॉन्कर नहीं कर पाएगा वर्ल्ड को, क्योंकि जब वो इस वर्ल्ड में आया था तो उसने ह्यूमंस को अंडरस्टैंड किया था, तो उसका सपना था वर्ल्ड को कॉन्कर करने का, अब वो नहीं रह गया था। तो इस पर आते उसका मजाक कि अगर वहाँ पर चला भी गया तो जितने भी डीमंस थे सब मर चुके होंगे, तो किसका लॉर्ड बनेगा। और इस पर देता रिप्लाई कि अगर जो ह्यूमंस बैटलफील्ड में जाते हैं तो क्या सब ह्यूमंस जाते हैं, मतलब कि जो डीमंस थे जितने वॉर में जाते हैं उसके अलावा भी कुछ नॉर्मल सिटीजन्स थे जो कि वॉर पर नहीं जाते हैं। और ये जवाब सुन के जो एमिलिया थी उसे एहसास होता है अपनी इमेज और स्टेटमेंट का, और जो अपने स्टेटमेंट थी इससे वो करते रिग्रेट। तो सुजुकी और चीहो अपना एंजॉय कर रहे थे, बट जो आशा था उसे अपनी ब्लड टेंशन हो रही थी, और जो एलिस रैमस थी वो जो बहुत सारे कलर से डिफरेंट टाइप के हैं उनको डिफरेंट नेम से बुला रही थी अपने फ्रेंड्स की तरह, और इसका रीज़न आपको थोड़ी देर पर चल जाएगा। पर जो एमिलिया थी अपनी इमेज और स्टेटमेंट्स को अभी तक रिग्रेट कर रही थी, बट जो माओ था उसके लिए ज़्यादा चिंता नहीं कर रहा था और नाराज़ नहीं था उसके ऊपर, और उसको बताता कि जो एलिस रैमस थी वो देना चाहती पावर रेंजर्स का शो, और उसे बहुत पसंद थे चीज़ में कलर्स होते हैं, तो उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि उस शो को अफोर्ड कर पाए। तो जो अपनी एमिलिया थी वो इस चीज़ को अपने ऊपर ले लेती हैं। तो जब उस शो को देख रहे थे तो इससे जो उसको देख के एलिस रैमस को कुछ ट्रिगर होता है, और उन्हें बताती हैं अपने फ्रेंड्स मालकुत और सैफ्राइल के बारे में और ट्री ऑफ लाइफ के बारे में, और ये चीज़ बता के जो उसके हेड पे एक क्रिस्टल था वो ग्लो होना शुरू हो जाता है, जिसके बाद से उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो उसे वहाँ से बाहर ले जाते हैं, और जो माओ था वो चलाता है पानी लेने के लिए, और तभी जो लाई लाती है वो अपीयर होती है उसके सामने, और बस अपने एक ही मूव से वो अपने ठीक कर लेते एलिस रैमस को, और उन्हें बताती हैं कि वो कोई एनिमी नहीं है, और वो खुश थी कि जो एलिस रैमस थी वो इतनी सेफली ग्रो हो रही थी। बट फिर भी वार्न करती है वो एमिलिया को कि लोगों ने नोटिस कर लिया था उसके फोरहेड पे था एक कैस्ट्रोड का शार्ड, मतलब कि जो फ्रैगमेंट है ट्री ऑफ लाइफ का, तो जो एनिमी है कहीं भी वहाँ पे आ सकते हैं। तो जो हेवन से गैब्लियर और उसकी रेजिमेंट वहाँ पे आने वाली थी, तो जब माओ वहाँ पे पहुँचता है तो लाइला वहाँ से गायब हो जाती है, और इसी डिस्प्रेशन में जो एमिलिया थी वो पंच करती है माओ को, और उसके बाद जो एमिलियर माओ थे ले आते हैं एलिस रैमस को फायर स्पील के लिए। जब अपने फैमिली फोटोग्राफ लेते हैं तभी जो सुजुकी आशा और चीहो थे वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो चीहो मदद करती है ग्रैनी की, लेकिन जो आशा सुजुकी थे वो आगे चले जाते हैं। जब अपने सो कॉल्ड कपल फोटोग्राफ लेते हैं और चढ़ जाते हैं फायर स्पील के ऊपर, तो वहाँ पे वो अकेले थे, और एक बात क्लियर थी कि सुजुकी थी उसके मन में पैदा होना शुरू हो गई थी फीलिंग्स आशा के लिए। और वहीं जो एमिलिया थी वो पूछती है माओ से कि उसका रियल रीज़न क्या था कि उसने एलिस रैमस को अपने पास रखा, और कैसे जानता है वो उसके फोरहेड के शार्ट के बारे में। तो जान जाती सब कुछ जो इसको पता है, ताकि वो डिसाइड कर सके कि उनकी अलाय थी या उनकी एनिमी। तो जो माओ था वो भी तैयार हो जाता है वह सब कुछ बताने के लिए, विच इंक्लूड्स हिज बैक स्टोरी। तो माओ के डीमन और बनने से बहुत पहले जो डीमन रियाम था एक बहुत वायलेंट और ब्रूटल प्लेस था, और वो खुद एक बहुत वीक डीमन था। तो इस तरह एक दिन जो उसकी फैमिली थी उसे एक डीमन मार देता है, और साथ में वो भी मरने वाला था, बट वहाँ पे कोई आता है उसे बचाने के लिए, और ये पहली बार था किसी एंजल से मिला था, तो अपने इंस्टिंक्ट की वजह से उस पर अटैक करता है, बट जो एंजल थी उसे मारती नहीं है, उल्टा उसे बचा लेती है, साथ में उसकी वॉन्ड्स थे वो उन्हें भी हील करती हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंटली वो देती है नॉलेज बहुत सारी चीज़ों के बारे में।
तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा वियर्ड थी कि जो कि एंजल ने एक डायलॉग क्यों बचाया। लेकिन जो एंजल का रीज़न बहुत ज़्यादा सिंपल था कि जो डीमन था वो रो रहा था और ये पहली बार था कि उसने किसी डीमन को रोते हुए देखा था, तो उसे देती नॉलेज वो ह्यूमंस के रियाम के बारे में। तो आप कह सकते हैं जो डेविल इन्वेजन हुआ था एंटी एसला का वो एक रिजल्ट था एंजल का, इनडायरेक्टली सही। तो उसके बाद जो एनाडेमिसिस रिप क्रश था वो बिल्कुल सेम था मून शेप क्रिस्टल जो एंजल ने उसको पीछे रखा हुआ था जो वहाँ से चली गई थी। तो उसने जो लेटर छोड़ा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि अगर इस चीज़ को ग्रो करता है और साथ में कल्टीवेट करता है सीड को तो जान पाएगा वर्ल्ड के बारे में और भी अच्छी तरह से, और साथ में उसे नाम देते सैटर्न का, मतलब इसका नाम था उसको एंजल ने दिया था और उसकी नॉलेज की वजह से ही वो पूरे डीमन रियाम को एकजुट कर पाया था। साथ में पीस ऑफ प्रॉस्पेरिटी वहाँ पे थी वो भी रिजल्ट था एंजल की नॉलेज का ही, और जो उसने प्लांट किया था सीड वही थी एलिस रैमस। तो आप कह सकते एक प्रकार से जो माओ था वही फा था एलिस रैमस का, बट जो माओ था वो एंजल के बारे में कुछ नहीं जानता था, यहाँ तक उसका नाम भी नहीं। फिर पूछता एमिलिया से कि जो एलिस रैमस थी वो इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गई, तो उसे बताती है उस वुमन के बारे में कैसे उसने ठीक किया और साथ में उसकी वार्निंग के बारे में गैब्रियल और शार्ड ऑफ यसॉर्ड को लेके। तो ये सुनते मॉ बहुत सरप्राइज था कि कैसे जो अपनी एमिलिया थी जो काम करती चर्च के लिए उसे कुछ नहीं पता यसॉर्ड और गैब्रियल के बारे में। तो पूछता एलिस रैमस से डिफरेंट कलर्स के बारे में जिन्हें वो बताती हैं ग्रेब्रुआ कैथर और मेलकुद के नाम से, और एक बात क्लियर थी कि जो एलिस रैमस एक एंटिटी थी डीमंस और एंजल से बड़ी, क्योंकि जो गैब्रियल कैथर और मेलकुद और यसॉर्ड थे वो नाम थे सेपार्थ का या फिर कॉस्मोमैटिक ऑर्ब, आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं फ्रैगमेंट थे ट्री ऑफ लाइफ के, और मोस्ट प्रॉब्ली जो एलिस रैमस थी वो थी इनकार्नेशन यसॉर्ड की जो कि पार्ट था ट्री ऑफ लाइफ का। तो उसके बाद दिखते हैं हमें चीहो जो अपने घर जा रही थी और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट थी अपने ऊपर क्योंकि अपने जैसे के चक्कर में वो फॉलो करती माओ को डिस्पाइट कि उस पर बहुत ट्रस्ट करता है। तो उसके बाद जो फैसले से उतरते हैं एमिलिया और एलिस रैमस, तो देती है उसको एक फोटोग्राफ जो उसने पहले लिया हुआ था, और तभी उन्हें कॉल आती है उरश हीरा और सुजने की, और एक कॉल सुनते ही वो रश करते हैं अपने घर के लिए। तो जब सुजने और आशिया वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे कोई नहीं था, तो आशिया भी अपने घर के लिए निकलता है। तो उससे निकलने से पहले जो अपनी सुजने की थी उसे अपना फ़ोन नंबर देती हैं, और साथ में उसके जाने के बाद जो उनका सो कॉल्ड कपड़े का फोटोग्राफ था वही वहाँ से ले लेती है। तो जब एमिलिया माँ और एलिस रैमस पहुँचते अपने घर तो देखते उचिहारा और सुजने को होस्टेज बना के रखा हुआ था गैब्रियल और उसकी रेजिमेंट ने। तो गैब्रियल था यसोड़ा गार्डियन एंजल जो वहाँ पे आता था उसको वापस ले जाने के लिए, साथ में जो एमिलिया की हॉलीस्फोर्ड थी उसको लेने के लिए भी, और वहाँ पे इसलिए आया था उसने सेंस की थी एनर्जी यसोड़ की जो कि मिसिंग हो चुकी थी डेविल कासल से, बट जो एलिस रैमस थी उसे वापस नहीं जाना चाहती थी एज जो और पार्ट थे ट्री ऑफ लाइफ के जैसी गैब्रियल कैथर और मेलकुद उन्हें पहले ले जा चुका था जिसकी वजह से उसे नफरत करती थी। तो उसको अगेंस्ट देख के जो माओ था वो भी चीज़ के अगेंस्ट हो जाता और एमिलिया थी वो भी इसे अपने हॉल्सवर्ड नहीं देती हैं जब तक कि अपने जो मिशन था उसे वो अचीव नहीं कर लेती हैं। तो लेकिन जो गैब्रियल था बहुत स्ट्रांग था माओ के लिए, यहाँ तक उसके सारे पर उसके वापस आ भी जाती तो भी जो गैब्रियल था वो उसे जीत जाता। तो फिर भी जो माओ था वापस नहीं देता एलम रारस को, तो इसलिए जो अटैक करता गैब्रियल उसके ऊपर, बट जो चीहो थी वो बीच में आ जाती हैं और रिक्वेस्ट करते गैब्रियल से एलिस रैमस को ना ले जाने के लिए, एज वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी माँ और एमिलिया से, तो उसके लिए वो बैग भी करती है उसके सामने। तो जो गैब्रियल था वो इस चीज़ में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, मतलब कि अपने आप को शो नहीं करना चाहता एज अ बैड गाय, सो ना चाहते हुए भी उसे एक दिन दे देता है सोचने के लिए और वहाँ से चले जाता। तो उसके बाद सब लोग डिस्कस करते हैं कि उन्हें क्या करना है, और तभी जो अपना आशिया था वो वहाँ पर पहुँच जाता है। तो जो पूछते एलिस रैमस थे, तो जो एलिस रैमस थी उस साथ नहीं जाना चाहती, तो डिसाइड करते हैं एक रेजिस्टेंस का उसके खिलाफ, और उन्हें पता ही गैब्रियल था उसे नहीं हरा पाएंगे, फिर भी वो एंड तक इस चीज़ को देखेंगे और जो वॉस था उसके लिए प्रिपेयर करेंगे। और वो कहता है एमिलिया को आज रात वहीं रुकने के लिए, ऐसे सुबह उसकी उसमें ज़रूरत पड़ेगी, और जो एपिसोड था यहीं पे एंड हो जाता है। आज का एपिसोड बहुत सही था एज इसमें हम देखते हैं सुजुकी थी उसे ना फीलिंग जगती है आशा के लिए, तो देखते फ्यूचर में इसका पहले क्या होता है। बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो थी एलिस रैमस की आइडेंटिटी जो फाइनली रिवील होती है एज इनकार्नेशन ऑफ यसॉर्ड जो कि फ्रैगमेंट था ट्री ऑफ लाइफ का, और जो बाकी फ्रैगमेंट थे उन्हें पहले कैप्चर किया जा चुका था, और लास्ट में बस यसॉर्ड यानी कि एलिस रैमस बची हुई थी।
तो इसके बाद कुछ स्पॉइलर हो सकते हैं जो कि रीज़न उनके वहाँ आने का और क्यों एक जो एंजल थी मदद करती है डेविल की। तो जितने मैक्सिमम एंजल्स थे पावर यूज़ करते हैं अपने फ़ायदे के लिए ट्री ऑफ लाइफ की, पर जो एक एंजल थी लाइला उसी से खिलाफ़ थी। तो एक जो उसका पावर था ट्री ऑफ लाइफ का वो देती है डेविल को और वही है एलेक्स रैमस। तो इसके लिए मैं फ्यूचर में ज़्यादा बात करेंगे, तो आज के लिए तो इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो सायनारा, बाय। करो खुद को उड़ने लगा मैं आसमान में।